हनी बैजर और अमेरिकन बैजर में कौन बेहतर है? हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंगल के दो छोटे शिकारी यानी अमेरिकन बैजर और हनी बैजर की। कौन है इन दोनों में सबसे बेहतर? अगर इन दोनों के बीच लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? कहाँ पाए जाते हैं ये दोनों और इनमें ऐसी क्या खासियत है जो इन्हें बहुत खूंखार बनाती है, और कैसे कोई बड़ा शिकारी भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, साइज एंड डिस्क्रिप्शन। आइए दोस्तों, सबसे पहले जरा इन छोटे जानवरों की कुछ खूबियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन बैजर की। इस छोटे खिलाड़ी की लंबाई 52 से 87 सेंटीमीटर यानी करीब 20 से 34 इंचेस तक होती है, और इसके वजन की बात की जाए तो ये एक बच्चे के माफिक बहुत हल्का होता है। इनका वजन करीब 20 से 26 LBS बोले तो 9 से 12 किलो तक ही होता है। वहीं इस चपटे से शरीर वाले अमेरिकन बैजर के पैर बहुत छोटे हैं और इसका चेहरा चूहे की तरह यानी बहुत ही छोटा और नुकीला होता है। साथ ही इनके गालों पर दो छोटी छोटी सी सफेद धारियां और सिर के बीच एक सफेद धारी होती है जो कि इसे काफी मासूम दिखाती है। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए, क्यों, सच कहा ना। अब दोस्तों, इसके सिर पर अगर बात हो रही है तो इसके कान को क्यों छोड़े? जी हाँ दोस्तों, इसके कान भी इसके सिर की तरह ही बहुत छोटे और क्यूट दिखते हैं। इनका गला और चिन ज्यादातर पीले कलर का होता है और चेहरे पर कुल काले लंबे धब्बे होते हैं। इनमें नर और मादा की पहचान बहुत ही अलग है क्योंकि इनमें से हम भी इंसानों की तरह नर बड़े होते हैं और मादाएं छोटी होती हैं। वहीं अब बात की जाए हनी बैजर की तो ये दिखने में कुत्ते के आकार का होता है जिसका वजन करीब 13 से 20 LBS यानी 6 से 14 किलोग्राम तक होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई करीब 9 से 11 इंचेस तक होती है जो कि मेरे हिसाब से एक छोटे डॉग के बराबर है, पर इसके दांत और पंजे दोनों ही बड़े डॉग से काफी बड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके पंजे और दांत की लंबाई करीब 1.5 इंचेस तक होती है जो कि एक कछुए के कवर को तोड़ने तक में सक्षम है। साथ ही इसका कलर इसे सबसे हटके बनाता है। इसके चेहरे से लेकर पूरे निचले शरीर पर काला कलर होता है और सिर के ऊपर पूरे सफेद हिस्से से भरा होता है, और ये धारियां होती हैं जिसे देखकर लगता है जैसे इसने कंबल ओढ़ रखा हो। साथ ही इसके गर्दन के चारों ओर एक ढीली मोटी स्किन होती है जो लड़ाई के दौरान इन्हें घायल होने से बचाती है, साथ ही किसी भी शिकारी के मुंह से इसे निकलने में मदद करती है, और इनका दिमाग इनके छोटे से शरीर की तुलना में काफी बड़ा होता है। आपको बता दें कि अगर हनी बैजर की कभी कभी किसी के साथ मारामारी हो जाती है तो इसके पास अपने बचाव का सबसे बढ़िया हथियार होती है इसकी पूंछ। जी हाँ दोस्तों, इसकी पूंछ में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जब इसे कोई खतरा दिखता है तो ये अपनी पूंछ के जरिए बहुत ही गंदी बदबू छोड़ते हैं। इस बदबू को 130 फीट की दूरी से भी सूंघा जा सकता है। फूड हैबिट्स। दोस्तों अब बात करते हैं इनके शरीर की मजबूती के राज यानी कि इनके डाइट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करें हनी बैजर की तो ये एक सर्वाहारी जानवर है, जानवर ऐसा जो कुछ भी खा जाए। पर इनके पसंदीदा खाने की बात करें तो इन्हें खाने में छोटे शिकार जैसे खरगोश, छिपकली, कीड़े, सांप, पक्षी और दूसरे छोटे जीव पसंद है, और ये बड़े जानवर जैसे शेर, लकड़बग्घे द्वारा छोड़े गए खाने को भी खा लेते हैं, फिर चाहे वो खाना फल हो या फिर मांस। इतना ही नहीं, इनके सूंघने की शक्ति इतनी तेज होती है कि अपने शिकार को बहुत दूर से ही सूंघ लेते हैं, और अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने तेज पंजे और शक्तिशाली जबड़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने पंजों की मदद से बड़ी ही आसानी से कहीं पर भी खुदाई कर सकते हैं, बोले तो सिर्फ मिट्टी और पेड़ में ही नहीं पक्की जमीन पर भी। वहीं अमेरिकन बैजर की बात करें तो ये पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं जिन्हें खाने में पॉकेट गोफर्स, ग्राउंड गिलहरी, मूथ्स, पियरी कुत्ते, कंगारू, हिरन और सबसे ज्यादा पसंद है, और इन्हें अपने शिकार का खुलेआम पीछा करना पसंद नहीं, इसलिए ये अक्सर जमीन के अंदर सुरंग खोदकर अपने शिकार का पीछा करते हैं। और इतना ही नहीं, ये इतनी तेजी से सुरंग खोदते हैं कि जमीन के ऊपर भागने वाला शिकार इनके चंगुल से बच नहीं सकता। ये बहुत ज्यादा खाना जमा करते हैं इसलिए ये भोजन को जमा करने के लिए भी इसे जाने देते हैं। नंबर 3, रेंज एंड हैबिटेट। दोस्तों अमेरिकन बैजर के मौजूदा इलाकों की बात करें तो ये उत्तरी मैक्सिको, पश्चिम और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और कनाडा के पश्चिम तटों पर पाए जाते हैं। उन्हें रहने के लिए घास के मैदान वाले खुले वातावरण बेहद पसंद है जिनमें
पार्कलैंड, खेत और भूरी मिट्टी और ऐसी जगहें शामिल हैं जहां इन्हें आसानी से खाना मिल सके। और इन सभी जगहों के अलावा ये जंगल के मैदानी, घासों के मैदान और दलदलों, झाड़ी वाले इलाके और गर्म रेगिस्तानी इलाके और अल्पाइन घास के मैदानों में भी पाए जाते हैं। साथ ही ये एरोजीना के रेगिस्तान झाड़ियों और अर्ध रेगिस्तान घास के मैदानों में भी पाए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए हनी बैजर की, तो हनी बैजर अफ्रीका, दक्षिण और पश्चिम एशिया और भारत में पाए जाते हैं। खैर, इसके अलावा भी उनकी सीमा उप सहारा अफ्रीका, पश्चिमी कैप, दक्षिण अफ्रीका से उत्तर की ओर दक्षिण मैक्सिको और दक्षिण पश्चिमी अल्जीरिया तक फैली हुई है। बैजर तुर्कमेनिस्तान से लेकर भारत तक, अरब प्रायद्वीप, ईरान और पश्चिमी एशिया में भी कुछ हद तक पाए जाते हैं। ये छोटा सा जानवर कई जगहों पर पाया जा सकता है, जिसमें सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल, हरे और नदी के तट जैसे रेगिस्तान, घास के मैदान, पहाड़ियां, खुले जंगल, कांटेदार जंगल जैसी जगहें शामिल हैं। नंबर 4, बिहेवियर। अमेरिकन बैजर के व्यवहार की बात करें तो ये अमेरिकन बैजर रात्रि के जानवर हैं, यानी ये रात को सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वो बात अलग है कि खाने की तलाश में अक्सर इन्हें दिन के समय में भी इधर उधर घूमते देखा गया है। और बैजर कभी गहरी नींद में नहीं सोते, पर जब सर्दियों का समय आता है तो वह शांत हो जाते हैं और कुछ समय के लिए 29 घंटे के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं और अपने ही घर में आराम करते हैं। अमेरिकन बैजर एक ऐसा जानवर है जो बड़ी ही आसानी से मिट्टी में खुदाई कर सकता है, और इस काम को करने में उनके आगे के शक्तिशाली पंजे उनकी मदद करते हैं, और वे अपने खुद के द्वारा खोदे गए बिल में ही रहते हैं, जहां उन्हें काफी सुकून महसूस होता है। और सुकून मिले भी क्यों ना, क्योंकि ये अपने लिए 3 मीटर तक गहरा और 10 मीटर लंबा गड्ढा खोदते हैं, जहां किसी भी शिकारी का पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और जब कभी अमेरिकन बैजर को खतरा महसूस होता है तो वह दुश्मन पर तुरंत हमला कर देते हैं और उसे बहुत जोरों से काट लेते हैं, जिससे दुश्मन वहां से भागना ही बेहतर समझता है। दोस्तों, इस तरह हनी बैजर भी रात में एक्टिव रहने वाला एक जानवर है, और ये आम तौर पर अकेले ही रहते हैं। ये खाने के लिए कहीं भी गड्ढे करके वहां खाना खोजने लगते हैं, और ये अपने साथियों से बात करने के लिए अपनी गुर्राने की आवाज का यूज करते हैं। साथ ही एक दूसरे को सूंघते हैं और मिट्टी में गुलाटी मारते हैं। हालांकि इन्हें काफी गुस्सैल प्राणी माना जाता है, इसलिए इनकी ये बातचीत कब झगड़े में बदल जाए कोई कह नहीं सकता। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि अगर इन दोनों के बीच लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा। संभावना है कि हनी बैजर जीतेगा। हालांकि ये दोनों ही बहुत गुस्सैल स्वभाव के जानवर हैं, पर हनी बैजर अमेरिकन बैजर की तुलना में अधिक मार झेल सकता है, और इसे लड़ने के लिए ही विकसित किया गया है। कहने के लिए आकार तो दोनों का सेम है, लेकिन हनी बैजर की मोटी स्किन उसकी काफी मजबूती प्रदान करती है, इसलिए मुझे तो लगता है कि इन दोनों के बीच हनी बैजर ही जीतेगा। और आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।